देखो एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु, एक शंकु है जिसका आयतन हमें पता है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मान लो ये एक शंकु है, ये शंकु का हमें क्या पता है आयतन, और शंकु का आयतन होता है क्या चीज, पाई आर स्क्वायर एच 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये देखने में तिकोना, याद रखना है कि 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या बोल सकते 3 से डिवाइड कर देंगे बेलन के आयतन में, तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, इसके आधार का व्यास, आधार का व्यास मतलब ये फिगर जो है कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार से ये पूछा जा रहा है हमें, इसका आधार का व्यास हमें निकालना है डी। तो डी कैसे निकलेगा, हम लोग को अगर त्रिज्या पता होगा तो डी बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि डी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 2r होता है, मतलब व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो हमें निकालना होगा इसका त्रिज्या, हमें पता है इसका आयतन कितना, तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो गिवन है क्या चीज, ऊंचाई लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 हमें पता है 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है, और क्या पता है हमें आयतन, शंकु कैसा शंकु है तो लंब वृत्तीय, लिख ही देते ये बात, लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या जिसको R से डिनोट करते हैं उसको मान लेते हैं X, हमने यह बात है माना कि लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या क्या है X, यह बात हमने मान लिया। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न से हमें क्या ज्ञात है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन हमें ज्ञात है, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं इंग्लिश में, यह हमें पता है कितना 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग जानते हैं कि लंबवृत्ति शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वह दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा आराम से, आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर को हमने क्या माना था एक्स, तो लिख देते एक्स स्क्वायर इंटू एच, तो एच हमें तो पता ही है हाइट 9 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देते 9 सेंटीमीटर बराबर 48, ध्यान समझना जो बटता सीधा के शक्ता, यहां से सेंटीमीटर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर 48 × 3 सेंटीमीटर क्यूब जो 2700 हो गया बट्टा, क्लियर है, 3 × 3 = 9, और एक मिनट यहाँ देखना, देखना एक सेंटीमीटर दिया गया, तो ये 3 × 3 = 9, ये 3 से भी कट रहा है कितना 3 × 3 = 18, तो दिस इंप्लाइज एक्स जंप करेगा तो अंडर रूट आएगा किसके 16 के, और पावर में 3 है, यहाँ पर पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, आधार समान भाग पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू क्या आया हम लोगों को 4 सेंटीमीटर, और x हम कितने माने थे तो त्रिज्या को माने थे, हम लोग को पता चल चुका है शंकु का त्रिज्या, तो लिख सकते हैं अतः लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या r बराबर x, तो x के बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर निकालना हमें क्या चीज था व्यास।
तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, इसलिए व्यास बराबर क्या होता है, जानते हैं 2R, 2 गुने त्रिज्या, तो गो 2 गुने त्रिज्या की जगह पर कितना 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 गुना 8 सेंटीमीटर, तो ये मेरा होगा फाइनल आंसर। तो नोट करो,